बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 5 दिनों से ठहरी है नदी, एक पखवाड़ा से लगातार है बाढ़ का पानी, चारों ओर परेशानी ही परेशानी, शहर में भी स्थिति यथावत। बाढ़ की धार की मार अब दक्षिण हनुमान नगर की ओर, पानी से घिरे लोगों का सब कुछ बर्बाद, राहत की आस। स्टंट के चक्कर में चली गई युवक की जान, पानी की धार के सामने बेबस हुई जिंदगानी, अपने बच्चे को रखे स्टंट से दूर, कहा जिला पदाधिकारी ने। और चरित्र प्रमाण के लिए एसएसपी ऑफिस से लेकर थाना मुखिया वार्ड पार्षद के पास भटकती महिलाएं, ये है हमारा कानून, हमारी आजादी, महिलाओं का सम्मान, लेकिन कासे करे फरियाद। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। और अब समाचार विस्तार। जी हाँ, बात करते हैं सबसे पहले बाढ़ की स्थिति की। वर्तमान में जो शुक्रवार को स्थिति है यथावत, 5 दिन से बागमती ठहर गई है। बारिश की जो संभावना थी, दरभंगा में भीषण बारिश नहीं हुई है, हालांकि मौसम विभाग ने 27 तारीख तक इसका अंदेशा जताया है, लेकिन दरभंगा में बारिश कम हुई, यह एक अच्छी खबर। और अंततः नदी ठमकी हुई है, यूं कहे कि 2 से 3 इंच नदी शुक्रवार को नीचे ही रही। बाढ़ की धार लगातार एक पखवाड़ा से है, और 5 दिन की बात करें तो नदी ठहर गई है। 2-4 इंच नदी घटती है, फिर बारिश होती है, नेपाल की तरह इसे पानी आकर फिर इसे बराबर कर देता है। 5 दिन से ठहरी हुई नदी, या जो आप पंजार खां का कुआं देख रहे हैं, 1.5 फीट नीचे है। 2017 में यह डूब गया था। हम आपको बता दें कि यह पुराना कुआं, यह डूबा था 2017 में, और इससे 1.5 फीट नीचे है नदी। ये शुक्रवार की तस्वीर है। सीएम आर्ट कॉलेज का यह दृश्य देख रहे हैं, जो घाट का ध्वस्त हुआ था, जिसके दोनों ओर बोरा डालकर इसे मजबूतीकरण किया गया है। कहीं से भी आशंका हो कि शहरी तटबंध टूट सकता है, तो उसे मजबूत किया जा रहा है। गिदरगंज बांध पर भी बोरा डालकर मजबूत किया गया, हजारों बोरा मिट्टी डालकर उसे बचाया गया है। और जो अब तक की स्थिति है, एक पखवाड़ा से लेकर शहर में 5 दिन से ठहरी हुई नदी, आसपास के इलाके में भी स्थिति यथावत है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो वार्ड नंबर 8 और 9 में पानी है, जो बागमती के पश्चिम का इलाका है, और 23 के अंश में भी पानी है। और एक सप्ताह से शहर के कई वार्डों में नाला लबालब है, चाहे वो वार्ड नंबर 1 हो, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 31। शुक्रवार को ली गई तस्वीर हम और ये स्थिति हम आपको रत्नोपट्टी सोहंकरपुर का बताते हैं, जो वार्ड नंबर 8 और 9 का इलाका है, जहाँ पानी का साम्राज्य है। एक सप्ताह से यहाँ पानी है, थोड़ा कमा है, लेकिन पीछे से खबर आती है कि बाढ़ की धार तेज हो रही है, तो लोग फिर सहम उठते हैं। कई जगह स्थिति है घर छोड़ने की, ऊंचे जगह स्थानों पर चले जाने की, ऐसा हुआ है। लेकिन 2017 में जो जहाँ से सैकड़ों लोग सीएम आर्ट कॉलेज गए थे, स्थिति अब वैसी नहीं है, लेकिन सभी का सामान तैयार है, अगर पानी आता है तो उसके लिए भी ये लोग पलायन के लिए तैयार हैं। समझा जाता है कि 1 से 1.5 फीट अगर पानी बढ़ता है तो 2017 की स्थिति होगी। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 2017 से जो बागमती किला घाट एकमी मब्बी का इलाका है, 1.5 फीट नीचे है नदी। बहुत खराब है,
पानी कम रहा है कि बढ़ रहा है? थोड़ा थोड़ा कम रहा है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाती है? बलुआही जाइए, बलुआही भरौल मसावापुर गोढ़ियारी जहाँ जाना है तहाँ जा सकते हैं। जो जो बलुआही घर है बाढ़ में सब रोड सब डूबा हुआ है, है? खाने माल डाल के खाने के लिए जैसे चारा थी नहीं है, सब जो है दह गया भस गया है, लिया में घर था। अब ये कौन रोड पर पानी भर रहा है? बलुआही, बलुआही रोड है। राहत की ये बात ये कि थोड़ा पानी कमा है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान अंदेशा उसमें अब भी 24 घंटे बाकी है, 27 तक उसने लगातार बारिश होने की संभावना व्यक्त की। उस अनुपात में कम पानी हुआ, लेकिन शुक्रवार को खबर है कि बिहार के कई हिस्सों में भीषण बारिश हुई, पटना में भी जोरदार बारिश हुई, सीतामढ़ी से लेकर मधुबनी में भी लगातार काले बादल। यह डरा जरूर रहे हैं कि अभी इसकी धार बाकी है, मानसून का कहर बाकी है। हम आपको पुनः बता दें कि स्थिति यथावत है। 5 दिनों से शहरी तटबंध को लगातार निगरानी मजबूत और 2-4 इंच पानी घटा ही है, लेकिन फिर भी सतर्कता की जरूरत, अफवाहों से बचने की जरूरत। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। जो अन्य जगह की खबर है, स्थिति यथावत है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, दरभंगा जिले का 13 प्रखंड जहां 20 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है और युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, चाहे वह मोटर बोट से हो। एयर ड्रॉपिंग का काम समाप्त हो गया। दूर दराज के क्षेत्र में लगभग 10,000 पैकेट गिराए गए। गुरुवार को 4 खेप में 2,200 पैकेट वहां गिराए गए। लगातार चारों ओर पानी ही पानी, लेकिन सड़क मार्ग हो, पानी मार्ग, मोटर बोट से और फिर हवाई जहाज से। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम उस दूर दराज के इलाके में जाते हुए, जहां सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जाना है, स्थिति को देखना है, राहत पहुंचाना है, रेस्क्यू करना है। एक पखवाड़ा पहले लगातार पाताल से पानी की खोज और फिर पानी के बीच पानी से बचाने की कवायद, जिला प्रशासन यथासंभव मशक्कत करता हुआ। 13 प्रखंड और 20 लाख की आबादी प्रभावित है इस बाढ़ की धार से, और उसकी मार से बचाने के लिए, उसकी धार के कहर से बचाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यथासंभव जिला प्रशासन ने सुदूर क्षेत्र में जाकर किस तरह हेलीकॉप्टर से राहत का जो पैकेट होता है, जो सूखा पैकेट होता है, वह गिराया हमारे वायुसेना के जवान। और ये दरभंगा की स्थिति ऊपर से एयर से ली गई, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर, जो खुद बयां कर रही है कि कितनी धार है इस बाढ़ की और इसकी मार से कितने लोग चपेट में हैं। यथासंभव मदद करने की जरूरत, जो सक्षम लोग हैं उनसे उन्हें आगे आने की जरूरत और इन लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने की जरूरत। जिला प्रशासन यथासंभव मदद कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार रात को समीक्षा करते हैं। राज्य सरकार इसकी समीक्षा करती है। बाढ़ पीड़ितों को यथासंभव मदद, लेकिन आपदा इतनी बड़ी कि उसके सामने सब कुछ बौना पड़ता हुआ और एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का साथ, यही वक्त की पुकार। जिंदगी जिसको जंग जीत कर आगे पटरी पर लाना, यही सबसे बड़ी मानवता। अच्छा गाते हैं दोनों। बाढ़ की धार अब दक्षिण दिशा में मार कर रही है। जी हाँ, दक्षिण दिशा का अनुमान नगर हायाघाट की ओर
एक सप्ताह पहले ही उसका रुख करा रुख हो गया था हनुमान नगर की ओर, जहां के सारे पंचायत डूब गए हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया गोढ़ियाड़ी पंचायत का, जहां बाढ़ की विकरालता से लोग कितने परेशान हुए हैं देखिए। बाढ़ के धार के मार हनुमान नगर तक शहर से आगे बढ़ा पानी दबाव दक्षिण क्षेत्र में। हम आपको दिखा रहे हैं गोढ़ियाड़ी की क्या स्थिति है। शुक्रवार की ली गई यह तस्वीर, यह बयां बताती है कि इसकी धार की मार से कितने आहत है स्थानीय लोग। चारों ओर पानी ही पानी, और जो आसियाना था बन गया टापू। बाजार निकलना हो तो या तो नाव का सहारा या फिर आप लगातार कमर भर पानी हेलकर कहीं आ जा सकते हैं। बच्चों का स्कूल आना जाना खेलना बंद, खतरों से खाली नहीं। जो आवश्यक सामग्री है किसी तरह जुटाकर दिन काट रहे हैं लोग। इंतजार है बाढ़ का पानी घटेगा, लेकिन पानी ठहर गया है और ऊपर मानसून की स्थिति वह लगातार सता रहा है कि अब क्या होगा। सब डूबा हुआ है, जितना इलाका है सब डूबा हुआ है। कुछ कौन कौन सा जगह है जहाँ पानी आया हुआ जाता है? जहाँ पानी है, जहाँ लावा टोल गया है, गुड़ियारी का है, मस्तापापुर है। खुद भी खाना है, जीवन बचाना है, पशुओं का चारा पहुंचाना है। आलम यह है गोढ़ियाड़ी गांव की, आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। शहर के आसपास लोग परेशान हैं, लेकिन जब हम दर्द देखते हैं इन पीड़ितों का तो हमारा दर्द कम हो जाता है। बाढ़ की धार कितनी तेज है और कितने कम पानी में हैं हम, थोड़ा सुकून मिलता है शहरवासियों को। चारों राहत के लिए मारामारी, लेकिन पहला अधिकार उनको है जो सबसे सुदूर हैं, सबसे दूर हैं, सबसे लाचार हैं, सबसे मजबूर हैं। गोढ़ियाड़ी गांव की यह तस्वीर यह बयां कर रही है कि किस तरह चारों ओर पानी से घिरा है और आवश्यक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए किस तरह जान हथेली पर लेकर लोग इस धार में पार कर रहे हैं। सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। बाढ़ की धार में कितनी ताकत होती है यह कहने की जरूरत नहीं। इतिहास की बात करें, जगह की बात करें तो केदारनाथ की बाढ़ जिसके दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे युवा लगातार स्टंट, कभी सड़क पर, कभी आसमान में, और जब मौका मिला तो पानी। बाढ़ की पानी से खिलवाड़ करना युवक को पड़ा महंगा। जी हाँ, टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पानी में कर रहा था स्टंट, लेकिन मौत ने गले लगा लिया। बात केवटी प्रखंड के लाला चौर के पास की है, जब चार दिन पहले बाढ़ के पानी में टिकटॉक के लिए स्टंट कर तीन युवक वीडियो बना रहे थे। तीनों दोस्त कासिम, अफजल और सितारे सदर प्रखंड के अदलपुर गांव के हैं, लेकिन बाढ़ के पानी को देखने केवटी के चौर पहुंच गए। पानी देख सभी ने तेज धार बाढ़ के पानी में खतरनाक स्टंट कर मोबाइल से तस्वीर लेने लगे। इतने पर भी इनका मन नहीं भरा तो टिकटॉक के लिए एक पर एक तरह के खतरनाक स्टंट कर उसका वीडियो बनाने लगे। इसी स्टंट करने में अफजल की बाढ़ के पानी में डूब कर मौत हो गई। यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो तीसरा दोस्त बना रहा था उस समय घटना के। कई तरह के बाढ़ के पानी में स्टंट करने के वीडियो और फोटो इन लड़कों के सामने आए हैं। स्लो मोशन में फिल्माए वीडियो में कासिम सड़क पर से दौड़ लगाते हुए पुल के पास तेज धार में बहाने वाले बाढ़ के पानी में कूदता है और अफजल देखता है। जब उसे लगता है कि कासिम डूबने लगा तो अफजल भी छलांग लगाता है, लेकिन यह उसकी छलांग आखिरी छलांग हो जाती है और इस तरह वह डूब जाता है। तीन दिन के बाद उसकी लाश निकाली गई है और पूरा गांव मरमाहत है, परिवार के लोग मातम में हैं। स्टंट अपनाना कभी सड़क पर, कभी हवा में, कभी पानी में, लेकिन बाढ़ की मार की धार इतनी तेज कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। प्रखंड सदर प्रखंड के अदलपुर गांव का ये बच्चा था और घूमते घूमते केवटी के लाला चौर में आया। ये तीन बच्चे थे, टिकटॉक बनाने के लिए इन्होंने पानी में कूदे। कासिम को बचाने के लिए अफजल कूदा, लेकिन कासिम तो बच गया लेकिन अफजल पानी में डूब गए। ऐसे एनडीआरएफ की टीम या एसडीआरएफ की टीम खोज रही है और हम बच्चे से यही अपील करेंगे या अपने उनके परिजनों से कि बच्चे को बाहर ना आने दें। ये सदर प्रखंड के अदलपुर गाँव के तीन लड़के थे,
जो कि यहाँ पे लैला चौड़ में इतना तेज बहाव देखने के लिए लोग आ गए थे, उसी क्रम में ये लोग जो है सो उस पानी में जाके वीडियो टिकटॉक बना रहे थे। हम लोगों को पता लगा है कि वहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे। उसी क्रम में एक लड़का पहले कूद गया और उसी को बचाने के क्रम में दूसरा जो कूदा तो पहले वाला लड़का को तो बचा लिया गया, लेकिन जो कूदा बचाने के लिए वो लड़का डूब गया। पहले भी अनुरोध किए हैं अपने बच्चे पर ख्याल रखने का, ये सब एडवेंचर्स सेल्फी लेने का या कूदने का, ऊपर से डाइव करने का, ये सब एडवेंचर्स नहीं करने का हम पुनः मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे। यही जैसे आप लोगों ने कहा कि बच्चे पर ख्याल नहीं रखना, नहाने के लिए गए और ऊपर से कूदा तो खेलने के लिए गए, इस प्रकार की मौतें ज़्यादा ही हुई हैं, लापरवाही की वजह से ज़्यादा मौतें हुई हैं, ना कि बाढ़ का पानी से बह जाने की वजह से। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की मौतें। सदर प्रखंड में बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक हुई शुक्रवार को और इसमें मुखिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, क्योंकि प्रमुख पंचायत समिति सदस्यों के साथ विरोध में वॉकआउट किया उन्होंने। इन लोगों का कहना था कि जो अनुश्रवण समिति है उसमें पंचायत समिति सदस्यों को नहीं रखा गया है, यह निंदनीय है। सदर प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक हुई मखाना अनुसंधान केंद्र में शुक्रवार को, मुखिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा, सदर अंचलाधिकारी अरुण सक्सेना सहित अन्य सदस्य तो शामिल हुए, लेकिन प्रमुख ने इसका बहिष्कार किया। उनका कहना था कि पंचायत समिति सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसकी निंदा करते हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने इसका बहिष्कार किया। आज की बैठक में देखिए, आज जो पंचायत समिति के अनुश्रवण के बैठक में नहीं बुलाया गया, हम समझते हैं यह प्रखंड प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, आज का दिन काला अध्याय में लिखा जाएगा। जो पंचायत समिति दिन रात बाढ़ पीड़ितों के सेवा में लगल रहा, बहुत सारा समस्या पंचायत समिति के पास था कि जो आज अनुश्रवण समिति के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया जाता, लेकिन पंचायत समिति को नहीं बुला करके इन्होंने लोकतंत्र के हनन किए हैं। कल वीडियो साहब मुझसे पूछे थे कि अनुश्रवण की एक बैठक कर दी जाए प्रमुख साहब, हम बोले चलिए कर देते हैं, तो बोला कि आप अपने। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ, कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20, कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 5 दिनों से ठहरी है नदी, एक पखवाड़ा से लगातार है बाढ़ का पानी, चारों ओर परेशानी ही परेशानी, शहर में भी स्थिति यथावत। बाढ़ की धार की मार अब दक्षिण हनुमान नगर की ओर, पानी से घिरे लोगों का सब कुछ बर्बाद, राहत की आस। स्टंट के चक्कर में चली गई युवक की जान,
पानी की धार के सामने बेबस हुई जिंदगानी अपने बच्चे को रखे स्टंट से दूर, कहा जिला पदाधिकारी ने। और चरित्र प्रमाण के लिए एसएसपी ऑफिस से लेकर थाना मुखिया वार्ड पार्षद के पास भटकती महिलाएं, ये है हमारा कानून, हमारी आजादी, महिलाओं का सम्मान, लेकिन कासे करे फरियाद। जिला परिवहन पदाधिकारी और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के बीच टकराव और तू-तू मैं-मैं से प्रशासन की फजीहत हो रही है। मालूम रहे कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने जो कार्यपालक अभियंता है उनकी गाड़ी, उनके सहायक की गाड़ी को जब्त कर सरकारी नियम के तहत अपना कार्य बताया था, जिसकी चारों ओर किरकिरी हुई और अंततः मीडिया में खबर आई। जिला पदाधिकारी के संज्ञान में जब आया तो उन्होंने उनका अतिरिक्त प्रभार जो था नजारत का वह ले लिया और इस संदर्भ में विभागीय अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद को जांच करने का आदेश दिया है। लेकिन मामला यही नहीं थमा, भवन निर्माण विभाग के जो पदाधिकारी और कर्मी थे उन्होंने धरना दिया शुक्रवार को डीटीओ के विरोध। जिला परिवहन पदाधिकारी और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के बीच गाड़ी जब्त करने और भवन तोड़ने का मामला तूल पकड़ता गया। प्रशासन सरकार की किरकिरी हुई, बात मीडिया में आई और दोनों ने अपने को सही बताया। यह बात जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कान तक गई और अंततः डीटीओ से, जिला परिवहन पदाधिकारी से उन्होंने नजारत उप समाहर्ता का प्रभार छीन लिया और संबंधित सारे मामलों की जांच का आदेश अपर समाहर्ता विभागीय वीरेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। लेकिन कार्यपालक अभियंता के विभाग के जो कर्मी हैं वे लगातार डीटीओ की इस कार्यशैली का विरोध करते रहे और शुक्रवार को उन्होंने उनकी कार्यशैली के खिलाफ धरना दिया। कहा कि यह मनमानी नहीं चलेगी, प्रशासन का ही दो अंग है और इस तरह से गाड़ी पकड़ना यह बिल्कुल गाड़ी पकड़ने वाली बात नहीं थी, यह व्यक्तिगत बात थी और एक अपने वे साथी के लिए ऐसा कर रहे थे। और कार्यपालक अभियंता ने जब नियम का हवाला दिया तो उन्होंने देख लेने की धमकी दी और देखा तो फिर प्रशासनिक हथकंडा के सहारे गाड़ी जब्त कर थाने में भिजवा दिया, पावर दिखाया जो नियम के विपरीत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीटीओ श्री राजीव कुमार ने हमारे कार्यपालक अभियंता के आवास पर पहुंच कर और जिस तरह से उन्होंने दबंग रूप से उनको धमकी दिया और तत्पश्चात उनकी गाड़ी को वहां से जब्त कर लिया, वहां पे उपस्थित कनीय अभियंता उनका भी गाड़ी को उन्होंने उठा लिया बिना किसी सूचना के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। उन्होंने जिस तरह से गाड़ी को अवैध तरीके से वहां से उठाया, हाफ पेंट में पानी गाड़ी उठाया, तब बताइए। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मनमानी और दबंगई करने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमारे कार्यपालक अभियंता और मेरे साथ बदतमीजी की है, उसके बावजूद उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके विरोध में हम लोग एक दिन का सांकेतिक धरना पर भवन प्रमंडल कार्यालय परिसर में बैठे हुए हैं। हमारे सारे कर्मी, हमारे सारे अभियंता हमारे साथ हैं। अगर स्थानांतरण परिवर्तन के केस में रंग रोगन का कार्य ही कराना संभव हो पाता है और किया जाता है, इसके लिए भी कुछ जो सारी चयन प्रक्रियाएँ हैं उसमें कुछ समय लगता है, ऐसा कहकर उन्होंने डीटीओ महोदय को संग कराया, कहा कि मैं इस करवा दूंगा लेकिन आपको रिपोर्ट न करें। अब देखना है कि विभागीय अपर समाहर्ता की जांच रिपोर्ट क्या आती है। जिला परिवहन पदाधिकारी से अतिरिक्त प्रभार छिन गया है, जिला परिवहन पदाधिकारी के बारे में जो रिपोर्ट आती है सकारात्मक या नकारात्मक, कौन कितना दोषी है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि दरभंगा में जिला परिवहन पदाधिकारी आगे अभी वर्तमान में रह पाएंगे या फिर उनकी छुट्टी होती है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। SSP ऑफिस में हमेशा पुलिस कर्मियों की भीड़ देखी जा सकती है और जब कोई अपराधी पकड़ करके आता है या फिर पुलिस की मीटिंग होती है, लेकिन जब आपको सैकड़ों महिलाएं लगातार उसमें सप्ताह भर से भीड़ लगाए दिखे तो जो लोग अनजान होते हैं वे चौंकते हैं। जी हाँ, पर्यवेक्षक का पद है और उसके लिए आचरण प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है और आचरण प्रमाण पत्र कौन देगा? महिलाओं का आचरण प्रमाण पत्र पुलिस दे रही है और इसके लिए महिलाएं लगातार कतार में। बहरहाल सरकार का नियम है कुछ बोलना नहीं,
जो आदेश हुआ उसका पालन करना है। आचरण प्रमाण पत्र लेने के लिए महिलाएं एसएसपी ऑफिस से लेकर संबंधित थानों का चक्कर लगा रही है, लगातार मुखिया से लेकर वार्ड पार्षद से गुहार कर रही है कि आप हमें प्रमाणित कर दीजिए कि हमारा आचरण ठीक है, उसके बाद ही हम अगली सीढ़ी चलेंगे। दरभंगा एसएसपी ऑफिस में यह महिलाओं की भीड़, जो लोग नहीं जानते ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं कि आखिर क्या हो गया कि ये महिलाएं इतनी संख्या में यहाँ चली आई है। और भीड़ एक दिन से नहीं है, लगातार एक सप्ताह से भीड़ है। और यह भीड़ है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए, आवेदन के लिए आचरण प्रमाण पत्र बनाने की। जी हाँ, दरभंगा में इसमें से 41 महिलाएं आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक का बनेगी, जिसके लिए हजारों की तादाद में आवेदन हो रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है कि आप आचरण प्रमाण पत्र बनाएं। हालांकि आचरण प्रमाण पत्र की बात करें तो लिखा हुआ है कि राजपत्रित पदाधिकारी से भी काम चलेगा, लेकिन राजपत्रित पदाधिकारी कन्नी काटते हैं और अंततः एसएसपी ऑफिस में ये कतार लगाते हैं। इसके लिए जमा हो ही जाए, वही थोड़ा दिक्कत है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोग तो हम तो थोड़ा सा लेट से आए, 2 बजे, कुछ लोग तो 11 बजे से आके एकदम परेशान हो रहे हैं। 2 बजे आए हैं, 11 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। बारिश में भीग भीग गए थे, बारिश में परेशान परेशान हम लोग थे, बच्चा लेकर आए हैं, रोए रहे हैं बच्चा लोग। क्या लग रहा है, एक ही काउंटर है फिर दिक्कत ऐसे में हो रही है? बहुत दिक्कत है, एक ही काउंटर है, बहुत दिक्कत है। ये पहली सीढ़ी है, लेकिन पहली सीढ़ी नहीं है, इससे नीचे भी कई पायदान है। जी हाँ, ये संबंधित महिलाएं पहले मुखिया के यहाँ, वार्ड पार्षद के यहाँ अपना आचरण का प्रमाण पत्र लेती हैं, फिर थाना जाती हैं और उसे लगा कर करके फिर ये एसएसपी ऑफिस में आवेदन देती है। अन्यथा इन महिलाओं को 3 स्तर पर गुजरना पड़ता है। यह हमारे आज़ाद देश की तस्वीर है, इन महिलाओं को आचरण का प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन किससे करें फरियाद? इन महिलाओं की लाचारी, मजबूरी और परेशानी कौन देखेगा? जो किताबी बातें हैं उसमें संशोधन कौन करेगा? सरकार का यही फरमान है, सरकार का यही आदेश है। अब भला कौन बताए कि इस पुरुष प्रधान देश में अपराध की जब बात आती है तो पुरुष का प्रतिशत कहीं ज्यादा रहता है। अपराध की दुनिया में महिलाओं का 1-2% ही संख्या होती है, और इस भीड़ में पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बड़ा अजीब सा लगता है आचरण प्रमाण पत्र बनाना इन महिलाओं को, और वह भी एक जगह नहीं, मुखिया से लेकर वार्ड पार्षद से लेकर और फिर एसएसपी कार्यालय से लेकर। संशोधन किया जा सकता था, आचरण प्रमाण पत्र लेना है तो किसी महिला पदाधिकारी को देने की स्थिति बन सकती थी, लेकिन कौन करे संशोधन? सरकार का यही फरमान है, किससे करे फरियाद, कौन सुनेगा? यही कानून है। आजाद भारत में महिलाओं की स्थिति यही है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, दर्द बयां कर सकते हैं, स्थिति को समझ सकते हैं, परिस्थिति को जान सकते हैं और इनकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जदयू में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा ने उन पर हमला बोल दिया है और कहा है कि अली अशरफ फातिमी जदयू को मजबूत करने नहीं, मुसलमानों की सेवा के लिए नहीं, अपनी सेवा और सत्ता के लिए जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रेस सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा ने अली अशरफ फातिमी के कई अवगुण गिनाए और जदयू से भी अपील की कि इस तरह ये क्यों किया जा रहा है, ये कभी भी मुस्लिम चेहरा नहीं रहे, ये लगातार सत्ता के पास रहे। कभी राजद के कद्दावर के नेता के रूप में अधिपत्य जमाने वाले मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जदयू के दरवाजे पर हैं, लेकिन कई बाधाएं हैं, कई अपशकुन भी हैं, राजनीति के शब्दों में कहे। 28 तारीख को जदयू में जाने की घोषणा हुई,
पटना तक काफिला जाएगा। बाढ़ की धार की मार इधर है, चर्चा बाढ़ की है, जदयू में जाने को बेताब है, पता नहीं कौन सा सेटिंग है, और उन पर मुस्लिम बेदारी कारवा ने हमला। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा ने प्रेस सम्मेलन कर अली अशरफ फातमी के अवगुणों की चर्चा की, यूं कहे चर्चा नहीं थी, पौछाड़ कर दी, कहा कि ये मुस्लिम चेहरा नहीं है, ये सत्ता के चेहरे हैं जो हमेशा सत्ता से सटे रहना चाहते हैं। और जब राजद का दरवाजा बंद हुआ, राजद की लोकप्रियता कम हुई, तो इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए जदयू के दरवाजे पर जाकर धक्का मारना शुरू किया। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा के सदस्यों ने चेताया कि जदयू को भी चाहिए कि ठोक बजाकर छानबीन कर ऐसा काम करे। और इस पूरे प्रकरण में पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू भी कूद गए, जो जदयू से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इनसे बड़े बड़े नेता जदयू में हैं, जिनका योगदान है, बॉबी खान का योगदान है, अन्य नेताओं का योगदान है, उनको तरजीह मिलनी चाहिए, न कि अली अशरफ फातमी के लिए दरवाजा खुलना चाहिए। दो वर्षों से ये लगातार अपने को मुस्लिम चेहरा बता रहे। अली अशरफ फातमी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब परस्त, मक्कार, धोखेबाज के रूप में जनता जानती है। ये अपने को नीतीश जी के पार्टी में जाने के लिए मुसलमानों का चेहरा बताते हैं, जबकि ये लगातार मन से कहते रहे हैं कि मैं मुसलमानों का चेहरा नहीं हूँ, मैं सेकुलर लीडर हूँ। फिर आखिर आज क्या कारण है कि ये अपने को मुसलमानों का माला जप रहे हैं? इसका सीधा उदाहरण है कि ये जो सत्ता का इनको 25-30 साल से लोभ रहा है, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है भाजपा का, उसका दामन थामने के लिए ये नीतीश जी के पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनका जो पिछला कारनामा रहा है, जिस पर हम कुछ बिंदु आपके बीच रखना चाह रहे हैं, इन्होंने जो दरभंगा में सबसे अहम कारनामा अंजाम दिया, वो मुसलमानों को दो गुटों में बांटने का, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो कभी गुंडागर्दी, तो कभी ये अपने को इतना बड़ा नेता बना के अपनी पूजा करवाए हैं लोगों से। और ख़ास करके जो इनका लोकसभा क्षेत्र रहा है दरभंगा, उसको इन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया यहाँ के मुसलमानों को कि आप 25-30 साल की अवधि में देखेंगे कि इन लोगों के अलावा कोई नया चेहरा नहीं पनप पाया। अगर कोई पनपा भी तो उसको इन्होंने हराने का काम किया। आप देखेंगे यहाँ जो दरभंगा में खास करके क्योंटी विधानसभा है, जाले है, ग्रामीण है, ये सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसमें जब कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको ये अपना बल से हराने का काम किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी चंद दिनों में कुछ तरह तरह की राजनीति गलियारों में नई नई बातें आ रही हैं कि कुछ माइनॉरिटी के नेता अपने आप को कहने वाले जदयू में जा रहे हैं, कि जदयू से आरजेडी से पहले उन्होंने छोड़ा, फिर बसपा में गए, फिर वहां से जदयू में जाने की बात कर। मैं कहना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी के नेता बनना चाहते हैं दरभंगा शहर में, जो अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक दरभंगा शहर के मुसलमानों के लिए कोई भी ऐसा हित का काम नहीं किया जिससे वो अपने यहाँ के दरभंगा के मुसलमान उनको माइनॉरिटी का चेहरा कहे या मुस्लिम नेता कहे और माइनॉरिटी का हमदर्द कहे। क्योंकि हम देख लगातार देखा जा रहा है कि तीन तलाक बिल हो या मॉब ब्लीचिंग का मामला हो, लगातार मुस्लिम विरोधी कार्रवाई हो या और भी जितनी भी तंजीमें हैं माइनॉरिटी की, वो लोग अक्सर कदम में कदम मिला के और जितने मुस्लिम पार्षद हैं वो लगातार लगे रहते हैं और आगे आगे साथ में मिलकर काम करते हैं। ये कतई और कोई जो इन लोगों के बारे में अगर कहा जाए, तो ये हकीकत में मुसलमानों के काम में और हर चीज़ में लोग आगे रहते हैं। चंद लोगों की जिनके बारे में आप लोग बातें चर्चा चल रही है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं। जैसा इन्होंने निजालम साहब ने कहा, सुल्तान साहब, सुल्तान अंसारी साहब, हमेशा हम लोग किसी के अंडर में नहीं रहने की हम लोग चाहते हैं। हम लोग का भी प्लेटफॉर्म चाहिए, अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, उस पर हम लोग को आगे बढ़ने का। जब तक बेटा नहीं, पोता, पोता नहीं, नाती, इसी पर जिंदगी, इसी पर जो है राजनीति चलता रहेगा, ये हम लोग से बर्दाश्त होने के काबिल। दरवाजे के पास खड़े हैं जदयू के लिए मुसलमानों के द्वारा ऑल इंडिया 700 और बात बाढ़ पीड़ितों की सेवा की। जी हाँ, सरकारी सहायता से अलग हटकर यथासंभव अपने स्तर से की गई सेवा, उनके जज्बे को सलाम, और यही मानवता है, यही वक्त की मांग। कर दे
बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, बच्चा चुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, भूखे गरीब की यही दुआ है। जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पांच दिनों से ठहरी है नदी, एक पखवाड़ा से लगातार है बाढ़ का पानी, चारों ओर परेशानी ही परेशानी, शहर में भी स्थिति यथावत। बाढ़ की धार की मार अब दक्षिण हनुमान नगर की ओर, पानी से घिरे लोगों का सब कुछ बर्बाद, राहत की आस। स्टंट के चक्कर में चली गई युवक की जान, पानी की धार के सामने बेबस हुई जिंदगानी, अपने बच्चे को रखे स्टंट से दूर, कहा जिला पदाधिकारी ने। और चरित्र प्रमाण के लिए एसएसपी ऑफिस से लेकर थाना मुखिया वार्ड पार्षद के पास भटकती महिलाएं, ये है हमारा कानून, हमारी आजादी, महिलाओं का सम्मान, लेकिन कासे करे फरियाद। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।